नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टीचर एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सीटेट, टेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में। दोस्तों ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि सीबीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए दोस्तों कि सीबीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 3 नवंबर 1965, ऑप्शन बी है 3 नवंबर 1964, ऑप्शन सी है 3 नवंबर 1962 और ऑप्शन डी है 3 नवंबर 1970। बताइए दोस्तों कि सीबीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। यस दोस्तों, इसका आंसर नंबर है सी, 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना की गई थी। दोस्तों कि 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। ए 1924, बी 1921, सी 1927 और डी 1928। बताइए दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यस दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1921, इसका सही आंसर है 1921, माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 28 है हंटर आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। बताइए दोस्तों हंटर आयोग जिसे कहते हैं और इसका नाम दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। 30 जनवरी 1880, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1884, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1882 और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1888। बताइए दोस्तों कि हंटर आयोग जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी है सही दोस्तों, 30 जनवरी 1882 को हंटर आयोग की स्थापना की गई। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 29, राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। बताइए दोस्तों कि राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ए 1947 से 1948, ऑप्शन बी 1950 से 1951, ऑप्शन सी 1945 से 1946 और ऑप्शन डी 1948 से 1949। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है 1948 से 1949, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1948 से 1949 के बीच राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानवाणी का प्रसारण शुरू कब हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ। बताइए दोस्तों कि ज्ञानवाणी का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ। 1 मार्च 2002 को, ऑप्शन बी है 1 मार्च 2003 को, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2004 को, ऑप्शन डी है 1 मार्च 2000 को। बताइए दोस्तों कि ज्ञानवाणी का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 मार्च 2000 को ज्ञानवाणी का प्रसारण शुरू हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, पूना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए दोस्तों कि पूना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1816, ऑप्शन बी है 1832, ऑप्शन सी है 1830 और ऑप्शन डी है 1818। बताइए दोस्तों कि पूना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका आंसर सही होगा डी, 1818 को पूना कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है 14 जुलाई 1967, ऑप्शन बी है 14 जुलाई 1974, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1975, ऑप्शन डी है 14 जुलाई 1964। बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। 14 जुलाई 1967 को या 14 जुलाई 1974 को या 14 जुलाई 1975 को या 14 जुलाई 1964 को। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की स्थापना हुई। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 32 33, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। ए 1955, बी 1957, सी 1952, ऑप्शन डी 1956। बताइए दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ।
इन चार ऑप्शनों से बताइए दोस्तों कि सही आंसर होगा क्या होगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 1952। सी आंसर इसका सही है ऑप्शन कि सी 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 में हुआ। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 34। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? ए 1949, बी 1950, सी 1952 और डी 1948। बताइए दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1948 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 35। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? ए 1986, बी 1987, सी 1989 और डी 1990। बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। इन चार ऑप्शन में बताइए दोस्तों कि सही आंसर क्या होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 1986। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन कब हुआ? बताइए दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन कब हुआ? ए 1994, बी 1992, सी 1994 और डी 1996। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किस वर्ष हुआ। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1992 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 37। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के समय इसमें कितने खंड थे? बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के समय इसमें कितने खंड थे? ए 15, बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के समय कितने खंड थे। यस दोस्तों इसका सही आंसर है सी 12 खंड थे इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के समय इसमें 12 खंड थे, सही ऑप्शन होगा सी। चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 38। राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 1998। बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 1992, बी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1992 राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी मोस्ट प्रोग्राम कब चलाया गया? दोस्तों बताइए कि पी मोस्ट प्रोग्राम कब चलाया गया? ए 1988, बी 1986, सी 1990 और ऑप्शन डी 1992। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पी मोस्ट प्रोग्राम जो है वो कब चलाया गया। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 1986, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1986 को पी मोस्ट प्रोग्राम चलाया गया। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सार्जेंट योजना का गठन कब हुआ? ए 1946, बी 1948, सी 1950 और डी 1944। बताइए दोस्तों कि सार्जेंट योजना का गठन कब हुआ। इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1944 को ऑप्शन डी, इसका सही आंसर 1944 को सार्जेंट योजना का गठन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 41 क्वेश्चन है, निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए दोस्तों कि निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 4 अगस्त 2011 को, ऑप्शन बी 4 अगस्त 2009 को, ऑप्शन सी 4 अगस्त 2008 को और ऑप्शन डी 4 अगस्त 2005 को। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 4 अगस्त 2009, बी इसका सही ऑप्शन है 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 42। वुड का घोषणा पत्र, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं भारत से शिक्षा का महाधिकार पत्र और इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसे दोस्तों, और भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं और वुड का घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी। यस दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 20 जुलाई 1858, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1851, ऑप्शन सी है 19 जुलाई 1854 और ऑप्शन डी है 23 जुलाई 1850। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वुड का घोषणा पत्र कब आया था। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र आया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 43।
एनसीईटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 1999। बताइए दोस्तों कि एनसीईटी जिसे का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1995 ए, इसका सही ऑप्शन है। 1995 को एनसीईटी की स्थापना हुई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, इग्नू की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों कि इग्नू की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सितंबर 1985, ऑप्शन बी है सितंबर 1988, ऑप्शन सी है सितंबर 1989 और ऑप्शन डी है सितंबर 1990। बताइए दोस्तों कि इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। यस दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, सितंबर 1985 को इग्नू की स्थापना की गई। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, NIOS जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कहते हैं, NIOS की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों NIOS की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी है 1994। बताइए दोस्तों कि NIOS की स्थापना किस वर्ष हुई? इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी, 1989 को NIOS की स्थापना हुई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है, SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी है 1981। बताइए दोस्तों SCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1981 को SCERT की स्थापना हुई थी। चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 47, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? बताइए दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 से 1953 के बीच, ऑप्शन बी 1954 से 1955 के बीच, ऑप्शन सी 1959 के से 1960 के बीच, ऑप्शन डी 1956 से 1957 के बीच। बताइए दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका आंसर सही होगा 1956 से 1957 के बीच बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? बताइए दोस्तों कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? ए 1979 से 80, ऑप्शन बी है 1977 से 78 के बीच, ऑप्शन सी है 1981 से 82 के बीच, ऑप्शन डी है 1982 से 83 के बीच। बताइए दोस्तों कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? यस दोस्तों, ऑप्शन बी 1977 से 1978 के बीच अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, गोखले का प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? दोस्तों कि गोखले का जो प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक था वो किस वर्ष पारित हुआ? 16 मार्च 1913, ऑप्शन बी है 16 मार्च 1911, ऑप्शन सी है 16 मार्च 1917 और ऑप्शन डी है 16 मार्च 1919। बताइए दोस्तों कि गोखले का प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? यस दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 16 मार्च 1911 को गोखले का प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक पारित हुआ। चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1927। बताइए दोस्तों कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? इन चार ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी 1922, शांति निकेतन की स्थापना 1922 में हुई थी। चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, जिसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, वुड एबर्ट रिपोर्ट का कब प्रस्तुत की गई? बताइए दोस्तों कि वुड एबर्ट रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की गई? जून 1940, ऑप्शन बी जून 1947 और जून 1937 और ऑप्शन डी है जून 1945। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों ये भी हमें दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।